नमस्ते, राम राम किशन भाइयों, कैसे आप? हैशटैग इंडियन फार्मर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के खेती के बारे में एपिसोड में आज हम जानेंगे जो टमाटर के लिए खरपतवार नाशक का यूज होते हैं वो कौन से है, क्या और उस वो यूज करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए हमें, और उससे कौन से स्टेज में हमें यूज करना चाहिए। तभी पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम अनिकेत पाटिल, आपका हैशटैग इंडियन फार्मर्स में स्वागत है। और आपको ऐसे ही खेती के बारे में नई नई वीडियो के लिए आपको हैशटैग इंडियन फार्मर्स इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और इतर किसान भाइयों तक शेयर करना है। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टमाटर के लिए कौन सा खरपतवार नाशक यूज करना चाहिए? तो इसमें सबसे बहुत सारे कंपनी के खरपतवार नाशक आते हैं, पर जो रेगुलर और चलते हैं वो ये धनुका कंपनी का टर्गा सुपर और सोल कंपनी का मिट्री स्टार। उसका यूज़ कैसे करना चाहिए, उसकी डोज क्या है? तो धनुका कंपनी के टर्गा सुपर का जो डोज है वो प्रति पंप के लिए है 50 मिली तक, और इसे एकड़ के हिसाब से भी हमें 500 मिली तक यूज़ करना चाहिए। और इसका इस्तेमाल करते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि जो हमारी जो मुख्य फसल है टमाटर की, उस पर ये जो खरपतवार नाशक है वो नहीं उड़ना चाहिए। उड़ी भी तो कुछ नहीं होता, या पर क्या होता है, हमें अपने हिसाब से उस पर वो फवारा नहीं देना चाहिए। तो क्या है, हमारी जो ज़मीन है वो दो सरिया होती है, उसमें जो अंतर होता है उसमें उसका यूज़ हमें करना चाहिए। और यूज़ करते समय वो स्टेज कौन सी होनी चाहिए, हमारी जो टमाटो की फसल है 25-30 दिन के बाद हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पहले इस्तेमाल किया तो क्या होता है, उसको पीले पड़ने की संभावना बढ़ जाती है इससे, और ग्रोथ थम जाती है इससे हमारी फसल की। ये तो हमें खेती में नहीं चाहिए, इसलिए हमें टाइम पर ही खरपतवार नाशक का यूज़ हमें करना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो हमारा जो चैनल है हैशटैग इंडियन फार्मर्स इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।